हेलो गाइस, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं हमें छांट के बताने हैं। ए स्टेटमेंट है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। बिल्कुल गलत बात है, ये तो डाउन सिंड्रोम की बात लिखी हुई है। फिर बी स्टेटमेंट देखिए, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट However, the feminine development is also expressed. ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 44 प्लस XXY हो जाते हैं। कितने? 44 प्लस XX और Y, यानी कि फीमेल के दो क्रोमोसोम आ जाते हैं। इस वजह से इंडिविजुअल में फेमिनाइन करेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं मैस्कुलाइन करेक्टर के साथ साथ, जैसे कि ब्रीस्ट वगैरह का डेवलपमेंट हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक, सी ऑप्शन है द अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टिचर्ड, ये भी गलत है, ये डाउन सिंड्रोम की बात लिखी हुई है। डी है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी गलत है, ये भी डाउन सिंड्रोम का स्टेटमेंट है। लास्ट है ई स्टेटमेंट सच इंडिविजुअल्स आर स्टराइल, बिल्कुल सही बात है, जिसमें फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों करेक्टर डेवलप हो गए, मैस्कुलाइन के साथ साथ फेमिनाइन करेक्टर भी आ गए हैं, इस वजह से ये इंडिविजुअल स्टराइल हो जाता है, यानी कि ये ने प्रोजनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने बच्चे नहीं कर सकता ये। ठीक, तो ई ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी बी ई थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट जाएगा। ठीक है, थैंक यू।